हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी, किस तरह से जो है आप आसानी से अकोमोडेशन मैनेज कर सकते हैं, उसका जो बेस्ट तरीका है। अगर आपका कोई जानने वाला यूके में नहीं है, पहले तो कोशिश करें कि आपका कोई अपना रेफरेंस का बंदा कोई निकल आए, क्योंकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है। अगर फिर भी आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो सबसे बेस्ट है जिससे आप काम करवा रहे हैं ना, अपना वीज़ा प्रोसेस वगैरह करवा रहे हैं, जो भी आपका कंसल्टेंट है, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको पूछें। जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया एम्बेसी में, तो उनको बोलें जिनके जो प्रीवियस सेमेस्टर में स्टूडेंट गए थे या उनसे पहले गए थे, आप उनसे बात करें और उनका नंबर वगैरह ले लें, उनको बोलें, और उनसे बात करके व्हाट्सएप नंबर उनका मिल जाएगा ना आपको उनके थ्रू, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी अकोमोडेशन मैनेज कर सकते हैं। ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, इससे आपको आसान तरीका और कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो अकोमोडेशन आपको कितने में मिल जाएगी? कहीं पे आपको 250 शेयरिंग में, कहीं पे आपको मिल जाएगी 300 में, लंदन जो मोस्टली लंदन में 350-300 में आपको शेयरिंग में मिल जाएगी, जिसमें आप 2 महीने 1 महीना जो है सरवाइव कर सकते हैं इजी से, आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद सर्वाइवल के लिए अब बात आ जाती है, हम बात करते हैं जी हम सर्वाइव किस तरह कर सकते हैं 2 महीने 1 महीने। तो सर्वाइव करने के लिए आसपास आपको किसी टेकवे के ऊपर, किसी शॉप के ऊपर, किसी वर्कशॉप के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पार्ट टाइम आते साथ ही डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है। पार्ट टाइम जॉब आपको जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे तो ही जॉब आपको जाके मिलनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करते करते आपके 10 दिन 15 दिन 20 दिन क्लियर हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप दूसरे तीसरे दिन जो है कोशिश करें जो सर्वाइव करने के लिए पास पास जो शॉप्स हैं उनके ऊपर जाएं, पता करें, आपको सर्वाइव करने के लिए 2 महीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। थोड़ी सी अर्निंग जो है वो सेव करके आप इस तरह का सिक्योरिटी का बैच बनवा सकते हैं, इससे ये हो जाएगा फिर आपके लिए मुश्किल थोड़ी कम हो जाएंगी, आप इजीली से जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे। आज हमने इस वीडियो में 2 बातें की हैं, एक तो सर्वाइव किस तरह करना है शुरू में, और दूसरा हम जो है अपनी अकोमोडेशन किस तरह से इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली होता है ना, अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अकोमोडेशन हैं, उबर है, गमट्री है, स्पेयर रूम्स हैं, तो इनके थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे एडवांस मांगते हैं, कुछ के साथ तो फेक भी हो जाता है, कुछ को जो है जल्दी वो अकोमोडेशन नहीं भी मिलती। तो इसलिए आप कोशिश करें अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे कांटेक्ट करें, जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं उनको बोलें, वो आपके लिए कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको आसानी हो जाएगी।